हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम एंड स्लैम बाय शलाका। सो गाइस, आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा आज का। यस गाइस, टुडे आज का जो लुक है दैट इज सनसेट आइज। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, सो गाइस, व्हाई सनसेट आइज? बिकॉज़ यस्टरडे आई हैव सीन ऑन गूगल अ फोटोग्राफ ऑफ सनसेट दैट वाज सो ब्यूटीफुल। आई गॉट अट्रैक्टेड टू द कलर्स, सो आई थॉट व्हाई नॉट create this eye look with you all. So yes, here it is. And so guys, before jumping to the video, please subscribe to my channel. Please hit the bell button. You'll get a notification of my videos and share with your friends and like my video. So yes, let's get started. So guys, I'm using over here chia seeds moisturizer from the face shop. It is so good moisturizer, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। मेरे पास almost 6-7 months से है, I'm using it quite often. Then उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है, इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। दिस आई हैव शोन इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द वीडियोज। देन आई एम कंसीलिंग माई आईज। फर्स्ट आई विल डू द आई मेकअप बिकॉज फॉल आउट नहीं होना चाहिए, सो आई विल स्टार्ट विद द आई मेकअप इटसेल्फ। आई एम ब्लेंडिंग द कंसीलर इनटू माय आईज। उसके बाद मैंने लिया है 20 समथिंग पैलेट फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस। उसमें से मैंने ये येलो शेड लिया है। फर्स्ट इट आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय क्रीज एरिया एंड आई एम ब्लेंडिंग इट वेरी वेल। सो जो सनसेट आईज हम लोग कर रहे हैं, सो सनसेट का यूजुअली जो कलर्स होते हैं दैट इज येलो, पिंक, ऑरेंज, ग्रे, ब्लू, ये सारे कलर्स मिक्सअप होते हैं। सो मैंने सोचा येलो, ऑरेंज, पिंक और ग्रे के साथ कुछ करते हैं, बिकॉज जो मैंने फोटो आपने देखा रहेगा उसमें ज़्यादातर ऑरेंज, येलो एंड पिंक एंड ग्रे लिटिल बिट है। सो आई थॉट कि वाई नॉट यही क्रिएट किया जाए। सो आई हैव ब्लेंड द येलो शेड, देन आई हैव टेकन पिंक शेड फ्रॉम दी पैलेट एंड मैं उसको अच्छी तरीके से अपने क्रीज में लगाऊंगी। येस, ऑन दी क्रीज आई एम ब्लेंडिंग इट। जब तक मुझे अच्छा कलर नहीं मिल रहा है तब तक मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइज, ब्लेंडिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज आई हैव ऑलवेज से इन माई वीडियोज। सो ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैंने पिंक शेड के बाद ऑरेंज लिया है and this orange shade I will apply it all over my lid. So ये भी मैं same ही process कर रही हूँ, जैसे मुझे colors मिल रहा है तब तक मैं उसको apply करते जाऊँगी। मुझे एक desired color चाहिए, उसके लिए मैं उसको blend करते जाऊँगी, color पहले लूँगी, place करूँगी और उसके बाद blend करूँगी। Then मैंने यहाँ पे Swiss Beauty का 2-in-1 gel लाइनर प्लस आईब्रो लिया है। उसमें से मैंने ब्लैक जो आईब्रोज फिलिंग करने का ब्लैक पाउडर है वो मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। सो आई एम फर्स्ट अप्लाइंग ऑन माय क्लोज लैश लाइन एंड देन आई एम डूइंग अ वी ओवर देयर। एक्चुअली मेरे पास ग्रे कलर नहीं था, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट इसे ब्लैक कलर से थोड़ा बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे कलर को डेवलप किया जाए। सो मैंने ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं लिया, अगर ज़्यादा हम लोग लेते तो फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लैक 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 हो जाता। सो आई डोंट वॉन्ट लाइक दैट वे। सो इसके लिए मैंने थोड़ा 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 कलर लेके उसको डेवलप कर रही हूँ मैं। एंड यस, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डेवलप। आई हैव टेकन 925 मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड नेचुरल बफ। सो गाइज, ये थोड़ा सा मेरे फेस को वाइट कर रहा है, मेरी स्किन थोड़ी टैन हो चुकी है, ऑलमोस्ट पहले से मेरी स्किन टैन हो चुकी है। पहले मुझे ये शेड सूट करता था, अभी नहीं हो रहा है। सो बट कोई बात नहीं, मैं इसको पाउडर से जब सेट करूँगी वो ठीक हो जाएगा, कॉम्पैक्ट पाउडर से। And this foundation is so pigmented, you can see it's super stay for 24 hours and you can see the result. It's so fantastic,
सो फैंटास्टिक, आई विल टेल यू. देन आई एम टेकिंग NYB कंसीलर, कंसीलर स्टिक, एंड उसको मैं अपने अंडर आईज पे. सो गाइस, मैंने यहाँ पे जो ब्लेंडिंग स्पॉन्ज लिया है, ब्लेंडर जो लिया है, वो मैंने कप्स एंड लैशेस से लिया था, 20 समथिंग का है. दिस इज माई फेवरेट ब्लेंडिंग स्पॉन्ज. देन मैंने यहाँ पे लिया है मेरा मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर इन दी शेड NC35. आई एम सेटिंग इट ऑल ओवर माई फेस. देन आई हैव टेकन शुगर कॉस्मेटिक का ट्रायो पैलेट. उसमें से मैंने ये कॉन्टोरिंग शेड पिक किया है एंड उसको मैं अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर रही हूँ. एज यू नो, माई फेस इज ऑन अ बिगर साइड, लाइक फैटर फेस है मेरा. सो मैं अच्छी तरीके से उसको कॉन्टोर करूँगी एंड मुझे चिजल्ड फेस ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको चिजल्ड करूँगी. देन मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए 20 समथिंग पैलेट का, उसमें से मैंने ये पिंक शेड लिया है एंड उसको मैं अपने चिक्स पे अप्लाई करूँगी, एप्पल ऑफ द चिक्स. एंड मैं उसको ब्रॉन्जिंग, जो ब्रॉन्जर था उसके साथ मिक्स करूँगी, सो इट विल लुक गुड. देन मैंने 20 समथिंग का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई लव दिस हाइलाइटर. मेरा मोल्टन रोज मोल्टन गोल्ड मेबलिन का फेवरेट हाइलाइटर है एंड देन दिस. देन आई एम अप्लाइंग मस्कारा ऑन माई लैचेस. गाइज, एक्चुअल में मेरी काजल की जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई मुझसे गलती से, सो आई कुड नॉट पुट ओवर हियर. देन आई हैव टेकन स्विस ब्यूटीज लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड न्यूड समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. एंड ये सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक एंड येस, आई एम डन ओवर योर. सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट मी बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक माई वीडियो एंड डू लेट मी नो वट यू वॉन्टेड टू सी द नेक्स्ट वीडियो. एंड मैं ऐसे अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोज लेते आऊँगी. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड बी सेफ, बाय.